फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं हेयर पिन बनाना सिखा रही हूँ। फ्रेंड, आप इसे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, खासकर लंबे बालों में या छोटे बालों में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे कलरफुल, मल्टी कलर, किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल भी है और कोई एक्स्ट्रा आपको, जैसे कि कोई रबड़ या कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत सुंदर भी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे और नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेयर बन बनाने के लिए पहले मैं एक लूप बनाऊँगी। फिर अब हम 12 चेन बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर हम 5 और चेन बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम ये 5 चेन छोड़ देंगे, इसमें 6 वाले में आएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, 6 बार यहाँ आएंगे सिंगल क्रोशिया से, इसे इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम फिर से 3 चेन बुनेंगे। 1, 2, 3। ये हो गया। अब हम 1, 2, 2 छोड़ के तीसरे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर हम 3 चेन बुनेंगे। 1, 2, 3। फिर 2 छोड़ेंगे। 1, 2 तीसरे वाले में आके सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 3 चेन, 1, 2, 3। यहाँ लास्ट वाले में हम आके यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। ये हो गया एक राउंड पूरा। अब हम 3 चेन बुनेंगे। 3 हो गया। फिर यहाँ से हम आएंगे ये फर्स्ट वाले होल में, यहाँ आके सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 1, 2, 3। फिर इसके बीच वाले में आके यहाँ जोड़ेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3। फिर यहाँ हम आएंगे 1, 2, 3। फिर यहाँ से 1, 2, 3। फिर ये सामने वाले से 1, 2, 3।
इसमें एक दो तीन, तीन हो गया है। फिर एक किनारे हम आके इसमें, फिर ये हो गया, फिर एक दो तीन ये घूम गए यहाँ। ये इस तरह बुनने से क्या होता है ना, खींचता है, स्टिच वाले बन जाता है इस तरह से पूरा। इसका किनारा बस इतना ख्याल रखना है, इसी में से जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, इसी से घूम जाना है यहीं से। फिर इसी तरह से ये पूरा बुन के ले जाएंगे, जिस तरह से ये है पूरा, मतलब जब तक नाप लें कि आपके सिर के पास से जितना हेयर बैंड लगाते हैं उतना ना हो जाए, उस हिसाब से नाप लें। फिर इसके बाद इसको हम जोड़ेंगे। इस तरह से हम बनाते बनाते पूरा लंबा बना लेंगे, जितना बड़ा चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से हम लिए दोनों को, अब हम ये जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ पकड़ेंगे इस तरह से, और फिर ये बैक वाले में यहाँ होल में लेंगे इस तरीके से बुनेंगे। फिर अब हम यहाँ इस होल से लेंगे इस तरह से बुनेंगे। इस तरह से यहाँ से वैसे इस तरह से हम यहाँ आ गए किनारे। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से किनारे लेके यहाँ से बुनेंगे। ये जुड़ गया, फिर हम ऐसे घूम जाएंगे थोड़ा सा यहाँ आके इस तरह से बुन के, फिर हम यहाँ से कट कर देंगे। ये इस तरह से जुड़ गया, ये कर दिए हम पीछे यहाँ, और हम यहाँ साइड में बीचों बीच नाप लेंगे, और एक साइड में हम ये टांग देंगे फोल। फिर उसके बाद में फिर लगाएंगे जैसे हेयर बैंड लगाए जाते हैं। देखिए ये फूल का जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पहले से वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ से इसे लेके बना लीजिएगा। इसे आप जहाँ मर्जी हो लगा दें, साइड में लगाएं या एकदम साइड में।